गंगा नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। 4 से 5 बच्चे गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, जिसके बाद अचानक लखन कुमार पिता बाबू साहब घर मंसरपुर का नहाने के क्रम में गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद लाश की खोजबीन की गई। तत्पश्चात लाश मिलने के बाद लाश को बलिया अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद एम्बुलेंस के लिए कुछ परेशानियां आ रही थी, जिसको लेकर मौके पर जाप छात्र नेता सुमित कुमार यादव पहुंचे और अस्पताल प्रभारी से बात कर एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद लाश को बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, देखिए इस पर रिपोर्ट में। बच्चा का लखन, पिताजी का बाबू साहब। बाबू साहब कहाँ, घर कहाँ है? कहाँ नहवाल गल रहे की? नहवाल गल रहे। और बच्चा साथ में? हाँ रहे, दो चार रोटी आप तो बांध पता चल रहे। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए खेद है, लेकिन कुछ अड़चने आ रही थी एम्बुलेंस के। जी अड़चन तो आ रही थी, लेकिन महोदय ने सही, हाँ सर से बातचीत हुई तो एक मानवता के आधार पर इन्होंने एम्बुलेंस दिया, और चूँकि फैमिली बहुत ज़्यादा दुखदाई है इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हम यही चीज़ यहाँ के गार्जियन से कहेंगे, कम से कम अपने बच्चे के ऊपर जो है जिम्मेदारी रखिए। इधर उधर अभी बारिश का मौसम है, ज़्यादा इधर उधर पानी रहता है, इसलिए उसमें थोड़ा अपने बच्चे को गाइडलाइंस कीजिए और ध्यान रखिए कि कहीं इधर पैर फिसल ना जाए किसी बच्चे को। और अस्पताल के जो हमारे यहाँ पर मैनेजर साहब हैं वो आज पूरा सहयोग किए हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना एम्बुलेंस दिया।